खबर कानपुर से। कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ गैंगरेप और उसके सीने पर ब्लेड से अपना नाम गोदने की घटना सामने आई है। सभी आरोपी पकड़े नहीं गए हैं कि कानपुर के गुआटोली थाना क्षेत्र में इसी तरह का एक और नया मामला सामने आ गया है। इसमें तो आठवीं क्लास की नाबालिग के साथ मोहल्ले में रहने वाले एक आरोपी ने पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका रेप कर डाला। इतना ही नहीं, उसने ब्लेड से छात्रा के सीने पर अपना नाम लिखकर धमकी दी कि जिस तरह ब्लेड से तेरे सीने पर अपना नाम लिख रहा हूँ उसी तरह तेरे गला भी काट दूंगा, नहीं तो घर में से जो पैसे लाकर देती रहे, क्योंकि तेरे साथ रेप का वीडियो और फोटो मेरे पास है। आठवीं क्लास की नाबालिग छात्रा इतनी दहशत में आ गई कि उसने अपने घर पर बड़ी बहन की शादी का रखा 10.5 लाख रुपए अटैची उठाकर सीधे उस आरोपी को थमा दी। धीरे धीरे महीने के अंत में आरोपी को उन रुपए को सौंपती रही, लेकिन एक दिन पहले घर वालों ने जब अटैची देखी तब उससे पैसे गायब मिले। उसके बाद जब छात्रा से पूछताछ की गई तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। अब पुलिस ने इस मामले में FIR लिखकर कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। नाबालिग 16 वर्ष की छात्रा के साथ हैवानियत की है घटना गुआटोली थाना के MF कॉलोनी में रहने वाले अमन सोनकर ने ये जो पूरी घटना है उसने अंजाम दिया है। छात्रा ने बताया कि अमन सोनकर दबंग है और उसने पहले इस छात्रा को स्कूल जाते समय अपने चंगुल में फंसा लिया, फिर एक दिन अपने घर में बुलाकर उसके साथ रेप किया और उसकी वीडियो भी बना डाली और उसके बाद ब्लेड से छात्रा के सीने पर अपना नाम लिखा और उसको धमकी दी कि तेरी वीडियो मेरे पास है, अगर कुछ आती है कि मैं तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड ना करूँ तो तुम्हारे घर में जितने पैसे हैं वो सब मुझे दे दो। उसके बाद छात्रा ने जो अपने घर में शादी के लिए अपनी बहन के पैसे रखे हुए थे वो सभी आरोपियों को देना शुरू किया। क्या मामला है? मामला ये है कि जो मेरी बहन है, तो ये हुआ था कि हमारे घर में पैसे ऐसे भरे थे, जब वो चीज़ पैसे ऐसे मतलब हम लोग ने चेक किया वो पैसे पता चला गायब हुए, तो हम लोगों ने फिर पूछताछ की सबसे, तो पता चला कि फिर इस बहन ने हमें बताया। उससे जब बहुत ज़्यादा पूछा गया तो वो इतने डर में थी कि वो पहली बात तो बता नहीं पा रही थी। जब उसने 2-4 घंटा हमने पूरी रात उससे पूछा तब जाके उसने 3 बजे कबूला ये बात कि हमारे साथ ये घटना घटित हो रही है। क्या घटना घटित? मतलब ये हो रही कि उसकी हो गई इंस्टाग्राम से दोस्ती, ठीक। फिर ये हुआ कि उस लड़के ने उसकी अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के जा रहे उसको ब्लैकमेल करने लगा। वो जब 1.5 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी, उसके पेपर चल रहे हैं वो इस वजह से स्कूल नहीं जा पा रही डर के मारे। वो जाती तो कहता कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, हाँ तेजाब फेंक देंगे, एसिड फेंक देंगे, हाँ उसको ब्लैकमेल कर रहा है। उससे उसने 10,50,000 रुपए ले लिए हैं, मंगलसूत्र ले लिया है, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास फ़ोटोज़ हैं वीडियोज़ हैं, ये घटना है। और उसको इतना प्रताड़ित कर दिया गया है कि वो लड़की अभी भी मतलब इतने तनाव में है कि अगर उससे नहीं पूछा जाता तो वो आत्महत्या कर लेती। एट क्लास की लड़की है, अभी 8वां उसने पास भी नहीं किया है। उसके ब्लेड से उसने काटा भी है, उसने नाम भी लिखा है उस लड़के ने, वो कहता नाम लिखा है उस लड़के ने खुद से उसके सीने पे। हाँ उसे मतलब इतना वो कर दिया है, डरा दिया है उस लड़के ने उसको कि वो समझ लीजिए एकदम सदमे में है। क्या नाम है लड़के का? नाम है अमन सोनकर, FM कॉलोनी निवासी है वो। लड़का कुछ भी नहीं करता है, उसके पापा बस ये आलू का ठेला वेला लगाते हैं। लड़का क्रिमिनल टाइप का, क्योंकि उस पर पहले से भी 1-2 केस हैं, पहले से भी उसके ऊपर 1-2 केस दर्ज हैं। क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने तो ये है कि FIR दर्ज कर ली है, बस पुलिस ये कह रही है कि अब पकड़ा जाएगा। उसके शौक कहते हैं लड़के? अरे लड़के के शौक तो हम आपको प्रूफ दे सकते हैं, लड़के के शौक तो ये हैं कि कारें, गले में चैने पहनना महंगी, पर डे दारू पीना 20,000-25,000 की, मतलब इनका ये समझ लीजिए ये गैंग टाइप का है कि ऐसे भोली भाली लड़कियों को फंसा कर इनसे पैसे लूटना, उनको ब्लैकमेल करना। अगर ये आप लोग की वो होगी तो इससे खुलासा होगा। देखिए थाना क्षेत्र ग्वालटोली में एक तहरीर पे मुकदमा इसमें दर्ज किया गया 376, 384, 506 और 3/4 स्क्वायर में। इसमें जो वादिया की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें मुकदमा अमन करके एक व्यक्ति है, तो उसके ऊपर कुछ जो आरोप लगाए गए थे उस पर हम लोग जांच भी कर रहे हैं, मेडिकल की भी सारी चीज़ें कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसको पकड़ने की भी कोशिश करेंगे। पीड़िता
देखिए ये लोग जो भी तहरीर दी गई है उसकी हम पूरा परीक्षण कर रहे हैं और जो भी मेडिकल में चीज़ें आएंगी उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और इसमें बिल्कुल कड़ा संदेश देना चाहेंगे अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ रहेगी तो इसमें गिरफ्तारी होगी। देखिए जो तहरीर में लिखा है उसमें कुछ 10 लाख रुपये के ले लिए गए थे इसके जो आरोपी है उसके ऊपर, इस चीज़ की बातें भी आई हैं तो उसको हम लोग पुष्टि कर रहे हैं और जो भी चीज़ें आएंगी उसको आपको बताया जाएगा।